नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 10th के मैथ्स का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व मिलेंगे, विद आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और सॉल्यूशन अगर चाहिए होगा तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 3.6 इन रेशनल नंबर फॉर्म इज, ठीक है, क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.6 इन रेशनल नंबर फॉर्म इज इनमें से कौन सा। तो इसको सॉल्यूशन देखेंगे पहले हम कि सॉल्यूशन कैसे है। इसका आंसर जो है आपका 11/3 है। कैसे आया यहाँ पे पूरा सॉल्व कर रखा है। अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो फटाफट से स्क्रीन शॉट लेते हुए चलिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में द वैल्यू ऑफ 2/3 की पावर 3 पावर -2, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है। जब भी पावर माइनस में होती है तो हम उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने वही सेम चीज करी है, उल्टा करा, तो इसका आंसर आया 729/64। तो ये ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नीचे इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया हमने। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा द पेयर ऑफ इक्वेशन x+2y=3 एंड 5x+ky+7=0 हैज नो सॉल्यूशन इफ। तो इसमें आंसर पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, k=10, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे दिया गया है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अ ट्राइंगल है एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1:2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, ए बी सी डी इज अ रोम्बस की, ए बी सी डी एक रोम्बस है। इफ एंगल ए सी बी 40 डिग्री देन मेजर ऑफ एंगल ए डी बी इज कितना होगा, सी, सी क्या है हमारा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है आपको, फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हमने यहाँ पे ए डी बी 50 डिग्री निकाल लिया, ठीक है। फिर हिंदी मीडियम में आपका इसका सॉल्यूशन आ जाता है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए सी बी 40 डिग्री है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका त्रिकोण के कोण का योग गुण से, त्रिभुज के कोण योग गुण से हमने निकाल लिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज, तो यहाँ पे उसका आंसर आपको दिख रहा होगा सी 12 सेंटीमीटर। अब इसका सॉल्यूशन नीचे दे रखा है, देख लीजिएगा। अब डायग्राम आपको दिख रहा होगा, आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन खत्म होता है, उसके बाद जो है ये हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद 8th क्वेश्चन आ जाता है। 8th क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है यदि बिंदुओं ए -6.5 तथा बी -2.3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 1.4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी थी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है, ठीक, -4। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ था यदि सेक 4a = cosec a - 10 डिग्री है जबकि 4a > 90 डिग्री है तो एंगल ए का मान है, ठीक है। तो हमें ए का मान निकालना था, ए की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन इसका दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आ जाता है, ये पूरा सॉल्यूशन हो गया इसका। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपसे,
हुआ था साइन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ठीक है, कि ये किसके बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू निकाली हमने, 2 आया इसका आंसर। सॉल्यूशन करा रखा है, यहाँ पे दो आइडेंटिटी आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे दो आइडेंटिटी है, ठीक है, दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे लगी हुई है, जिनको जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच माइनस 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 3। तो हमने यहाँ पे पुट कर दी है वैल्यू, वैल्यू पुट कर दिया और ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें कुछ ऐसा हिंदी इंग्लिश वाला नहीं था, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया गया है और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 24, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें बोला था सिंप्लीफाई करना है यानी सरल करना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बहुत ही छोटा सा आंसर है इसका, ठीक है। पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था, 3/5, यहाँ पे 21 माइनस 10 अपॉन में 35 है, इंटू में 7/8 है, डिवाइडेड बाय 11/15 था, तो डिवाइड हटाया तो हमने मल्टीप्लाई का साइन आया, मल्टीप्लाई साइन आने के बाद 15 ऊपर और 11 नीचे आ गया। उसके बाद हमने कटिंग वर्क किया, मतलब 7 से 35 कटा 5 बार में, फिर 5 से 15 कट गया 3 टाइम्स में, और ऊपर सॉल्व किया तो हमारा बचा 11/35, ठीक है, 3/8 एंड में हमारा बचा, ठीक है। माइनस करने के एक बार और समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचा, 11/35 इंटू 7/8 इंटू 15/11, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 35 से 15 कटा 3 टाइम्स में, और यहाँ आया 7, 7 से 7 कट गया, और कुछ हमारा कट रहा है 11 से 11 कट रहा है, तो बचा क्या हमारे पास, 3/8 आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x प्लस ब्रैकेट में लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमें यहाँ पे बोल दिया गया, तो हमने मान लिया कि पहला जो हमारा शून्य है, अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ, तो आपको हिंदी में भी समझाते हुए चलता हूँ। तो पहला जो हमारा शून्य है वो क्या हुआ, x हुआ, तो दूसरा क्या होगा, 1/x, क्यों, क्योंकि दूसरे को क्या बोल रखा है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर एक 1 है तो दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा, अगर ऊपर एक 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी लगाई, एक फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और एक और होता है हमारे पास, वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है। तो इसकी हमें जरूरत नहीं थी, हमें निकालना था लैम्डा इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये वैल्यू डाली, तो लैम्डा सी की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा माइनस 6, और ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, 2, ठीक है। और इन दोनों को काटने के बाद हमारा आया 1, तो 1 इधर इसके पास चला गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इक्वल्स टू लैम्डा माइनस 6। अब माइनस 6 को जब मैं इधर लेकर आया, ठीक है, इस साइड लेकर आया, तो ये प्लस का हो गया, तो लैम्डा प्लस 2 प्लस इक्वल्स टू 2 प्लस 6 हो गया, यानी कि 8 हो गया। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, अ पेयर ऑफ सॉक्स विद लिस्टिंग प्राइस ₹80 इज अवेलेबल फॉर 64, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। कह रहा है कि अब कोई प्राइस है, ठीक है, सॉरी एक सॉक्स है, उस पर MP यानी मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य जो है वो ₹80 है, और उसको विक्रय मूल्य जो है, मतलब जिसपे उसको बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 64 है, तो कितना डिस्काउंट पड़ रहा है। तो हमने पहले क्या करा, डिस्काउंट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस को माइनस करने के बाद हमारा है 16, तो टोटल अमाउंट कितना था, 80 था, 80 में हमें कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, ₹16 का दे रहे हैं, तो परसेंटेज निकाली तो आया कितना, 20%, तो 20% ऑफ करके हम उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, देन फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने क्या मान लिया, अब ये सारे के सारे हमारे एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, तो ज्यादा लेंदी लेंदी सॉल्यूशन आपको इसको नहीं मिलने वाले। लेट वन पैरेललोग्राम
हमने एक्स मान लिया, तो दूसरा उसका एडजेसेंट एंगल कितना होगा, 180 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि दोनों का सम मिला के कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो दूसरा अगर एक एक्स है तो दूसरा 180 माइनस एक्स होगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 4/5 था, तो 4/5 180 माइनस एक्स कर दिया हमने, 5 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 5x इक्वल टू 7, 4 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 720 माइनस 4x हो गया। अब ये माइनस का 4x अगर इधर आता है, ठीक है, अगर ये माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बन गया 9x, 9x इक्वल टू 720। अब 9 से ये 720 कट गया, x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, अगर एक 80 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 100 डिग्री होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 50% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन देयर सेल, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। अब देखो क्या बोल रहा है कि जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस था उस पर 50% लगा के वो बेच रहा है और 40% डिस्काउंट दे दे रहा है उस पर जो भी रेट हो रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है वो बताना है। तो यहाँ पे बता दिया आपने कि क्या मान लिया आपने कि एक्स था, तो 50% मोर एक्स कितना हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा, 40% डिस्काउंट हमने लगाया, ठीक है, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। तो सीपी हमारा एक्स था, सेलिंग प्राइस हो गया 9x/10 हो गया, और यहाँ पे हो रहा है लॉस, ठीक है, तो लॉस यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे ये लॉस लगाया तो कितना परसेंट लॉस हुआ, 10% हमारा लॉस हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, तो अमाउंट के थ्रू आपको सही से समझ में आएगा, 100 रुपये की खरीद के लाया, उस पर 50% डिस्काउंट लगाया, तो सॉरी ज़्यादा किया तो 150 की हो गई, अब इसका 150 का 40% इस पर डिस्काउंट लगा देते हैं, ठीक है, 150 का 40%, ठीक है, तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, 15 4 जा 60, अब 60 माइनस कर देंगे तो 60 रुपीज़ का तो उसने डिस्काउंट दिया, और बेच कितने की रहा है 150 की, तो 150 में से अगर मैं 60 निकाल देता हूँ तो कितने की बनी 90 की, ठीक, खरीद के कितने की लाया था, 100 की खरीद के लाया था, 90 की बेच रहा है, तो 10 रुपये का लॉस हो रहा है ना उसको, तो क्या हो गया कि 10% जो है उसको लॉस हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अगर हमने अमाउंट लेके करा तो, ठीक है, लेकिन आपको अमाउंट लेके नहीं करना है, ये इस तरीके से ही करना है, तो 10% उसका लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब आपको यहाँ पे एक फिगर वगैरह दे रखी है, फिगर देख लो, और बोला हुआ है कि इन फिगर 1 DE and F आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC, शो दैट BE + CF ग्रेटर देन 3/2 ऑफ BC। तो अब यहाँ पे आपको मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल आ गया आपका, हमें क्या प्रूफ करना है, क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला हुआ है इन फिगर 2 PAB इज द सिकेंट एंड PT इज द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। If PT equals to x centimeter, PA equals to 4 centimeter and AB equals to 5 centimeter, then find the value of x. कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया PA जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है और AB जो है हमारा वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने PT हमें निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सिकेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कि टेंजेंट का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, PA into AB PB के, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने निकाला तो PT कितना आया हमारा, PT इक्वल्स टू अंडर रूट, और PA कितना था हमारा 4, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4, और PB के लिए हमें दोनों को चीज़ों को प्लस करना पड़ेगा, तो दोनों को प्लस किया हमारा आ गया 9, ठीक है, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करा गया 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, PT की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो टेंजेंट हमारी कितनी बढ़ी है 6 सेंटीमीटर की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है हमारा, तो 19 जो है थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर विद सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। सेंटर में जो एंगल जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है, तो एरिया निकालने के लिए बोला है,
तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहा होगा आपको, इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, इस तरीके से भी लिख सकते हो, बात सेम ही है, मल्टीप्लाई में आपका यहीं पे भी कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं हम, तो हमें थीटा कितना बता रखा है 45 डिग्री, और आर कितना हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया सारी चीजें काट पीटने के बाद, हमारे क्या बनता है 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 24,2425.5 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स रेडियस। हमें इसका रेडियस निकालना था, तो अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिख रहा होगा। ठीक है, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 2/3 πr³, और उसके बराबर में रख दिया, फिर सॉल्यूशन किया, पाई की वैल्यू हमारी 22/7 है, क्योंकि हमें कोई वैल्यू दे नहीं रखी अलग से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 21। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी थी, हमें ये प्रूफ करना था, तो यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे हाइपोटेनियस निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस आ गया, तो अब हमारा कॉस जो था, कॉस है वो ये हो गया, साइन है जो था हमारा वो ये हो गया। ठीक है, अब जो है हमें खाली वैल्यू को पुट करनी है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ क्वेश्चन में जो है वो सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आया 6/18। ठीक है, यहाँ पे रूट 13 से रूट 13 कट जाएगा, बचा और ऊपर 12 - 6 और 6+2, तो इसको सॉल्व करने के बाद आया हमारा 6/18, और 6 के टेबल से 18 कट गया, 1/3 हमारा आंसर आ गया, 1/3 = 1/3, LHS = RHS। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा इसी चैप्टर से, प्रूव कॉस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, तो पहले हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, एक तरीके से एलसीएम बोल सकते हो आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऊपर क्या बना, कॉस स्क्वायर प्लस 1 + sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर बनाता है 1, तो 1 तो उसका आ गया, और 1 हमें यहाँ पे पहले से था, वो 1 यहाँ पे आ गया, और 2 sin थीटा हो जाता है 2ab का। ठीक है, ये यहाँ पे 1 + sin² थीटा का होल स्क्वायर हो रहा था, उसको सॉल्व करने के बाद आया हमारा 1 + sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, शायद से कंफ्यूज हो गए हो, तो यहाँ पे हमारा जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने स्क्वायर किया, तो पहले कॉस स्क्वायर का तो कॉस स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पे जो 1 था उसका 1, और साइन थीटा का साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इन दोनों को जब ए टू ए बी करेंगे तो 2 sin थीटा बन जाएगा। ठीक है, हमने नीचे मल्टीप्लाई नहीं करा, आइडेंटिटी लगाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन के 1 बन गया, और 1 हमारे पास पहले से था, तो 2 आ गया, 2 + 2 sin थीटा। फिर हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, 1 + sin थीटा, और नीचे भी 1 + sin थीटा था, तो इससे कट जाएगा। तो कटता कब है पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था ये, इसीलिए कट गया, अगर ये मल्टीप्लाई में नहीं होता तो नहीं कटता। ठीक है, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में था इसलिए कट गए, क्या बचा 2 cos थीटा। अब मैंने इसको क्या करा, इसको sec में बदल दिया, 1 cos किसके बराबर होता है, sec के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 23 में बोला हुआ है, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम एबीसीडी विद एबी इक्वल्स टू डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इफ ए बी इक्वल्स टू 2CD फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स AOB एंड COD। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको प्रॉपर्टी को प्रूफ किया गया, यहाँ पे डायग्राम आ जाता है आपका। ठीक है, डायग्राम के बाद आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक, इस सॉल्यूशन देखते रहिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल्स टू AB स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे CD स्क्वायर थ्योरम 6.6। अभी थ्योरम 6.6 क्या थी ये मैं आपको बता देता हूँ, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स।
ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये हमारा आइडेंटिटी बनती है, उसके बाद इसको हमने सॉल्व करा। ठीक है, तो टू सी डी स्क्वायर बाय में सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी डी स्क्वायर अपॉन में सी डी स्क्वायर। अब यहाँ से सी डी से सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कट गया, फोर अपॉन वन बना, ये हमने इक्वेशन वन बना ली। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी रेशियो में एरिया ऑफ सी ओ डी इक्वल्स टू फोर रेशियो वन हो जाता है हमारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे मीडियन निकालने के लिए बोला हुआ है, तो यहाँ पे अब आपको उसका आंसर दिख जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद अब यहाँ पे दो तरीके से मीडियन निकाला जाता है, जिसमें से पहला फॉर्मूला आपका यहाँ पे दे रखा है, जिसे आपको यहाँ पे करा रखा है। तो यहाँ पे अभी आपको एन पहले देखना है कि कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 जो था एन था हमारा, ठीक है, जो कि इवन है, तो इवन के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ, इवन के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला रहेगा, और अगर ऑड रहता है तो ऑड के लिए आपका रहता है एन प्लस वन अपॉन में टूथ टर्म। ठीक है, मतलब जितना भी आपका है ना, मान लीजिए सेवन था, तो मीडियन क्या होगा, सेवन प्लस वन अपॉन में टू, यानी कि 8/2 का, यानी फोर्थ टर्म जो होगी उसमें वो आपकी मीडियन होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने फिफ्थ निकाला, हमने तो 100 का हाफ कितना हो गया 50, 50th टर्म, और 50 प्लस 1 यानी कि 51th टर्म, 50 टर्म जो, मतलब जो 50वें नंबर पे वो टर्म और जो 51 नंबर पे वो टर्म, उन दोनों को मिलाया जाएगा। ठीक है, उन दोनों को मिलाने पे हमारा 90 आया, 90 को 2 से डिवाइड करा हमारा आ गया 45। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा इसको। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ही आपको ये करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 25। अब ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो बढ़ते हैं आप इसके सॉल्यूशन की तरफ। आपसे इसमें बोला गया था कि लेस देन 5 का और एटलीस्ट 11 का बताना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है, तो लेस देन 5 में 6 आउटकम्स बनते हैं। फॉर्मूला आ गया आपका 6/36, काट के हमारा आ गया लेस देन 5 का 1/6। एटलीस्ट 11 का बोला हुआ है, तो 11 या इससे ज्यादा का सम जो है 12 बनता है। ठीक है, तो 11 तो बनना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे तीन ही ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, तो 3/36 आंसर आ जाता है हमारा 1/12। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, इसमें डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज स्टिल सॉरी स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर goes 15 km downstream and comes back at the same point in a total time of 3 hours 45 minutes. Find the speed of the motorboat. अब इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसमें हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी थी, उसमें बोट आ गया है, तो इसको अब हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालें, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम बता दिए। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जिस साइड में नदी बह रही है उसी साइड में हम बोट को लेके जा रहे हैं, तो उसमें तो स्पीड दोनों की प्लस होगी ना, तो यहाँ पे वो दोनों स्पीड आ गई। ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या होगा कि अप स्ट्रीम में उल्टी दिशा में जा रहा है, तो अब जो ये मान लीजिए मोटर बोट की स्पीड है, तो मोटर बोट की स्पीड ये जा रही है। ठीक है, और नदी जो है इस दिशा में है, तो स्पीड को काटेगी, है ना, इसमें से थोड़ी सी माइनस होगी जो भी स्पीड से आ रही है, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। हमें तो पता नहीं है कितनी स्पीड से आ रही है, तो हमने माइनस कर दिया। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, देखो 15 किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर आ रहा है, तो दोनों में 15 किलोमीटर यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, और दोनों को मिला के कितना टाइम ले रहा है वो 3 घंटे 45 मिनट, यानी 3.75 आवर्स। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ 15 कॉमन निकाल दिया, 15 कॉमन निकाला। ठीक, तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का सॉरी फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 9 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, 9 प्लस एक्स इधर आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व किया तो x से x कट जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इधर ऊपर बचा है 9 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 हमारा 18 बन जाएगा, और यहाँ पे 25/100 था, तो इसको काट देंगे 25 के टेबल से, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एक्स स्क्वायर को उधर भेजा तो वो प्लस का हो गया,
और 72 को इधर ले आए तो वो माइनस का हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 72, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब यहां से अंडर रूट डाला हमने तो रूट 9 एक्स इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा एसएन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हमारा दिख रहा होगा आपको फॉर्मूला वगैरह लगा रखा है हमने, एसएन का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, S6 दे रखा था 36, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, इसको सॉल्व किया, हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। और एक दे रखा था हमें S16 दे रखा था, वो हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक, फॉर्मूले में वैल्यू डाली और उसको सॉल्व करके, ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमने क्या करा, इक्वेशन 1 2 में से इक्वेशन 2 1 को हमने घटा दिया, ठीक है। जो हमारी ये इक्वेशन 2 थी इसको हमने इक्वेशन 1 से घटा दिया, तो 2a से 2a माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2a से 2a माइनस हो गया, 15 में से 5 जाएगा तो हमारा 10 बचेगा, और 16 में से सॉरी 12 में से 32 में से 12 गया तो हमारा 20 बचा, तो 10 की वैल्यू 10d की वैल्यू आ गई 20। यहाँ से d निकल गया हमारा 2, ठीक है, d हमारा 2 निकला। उसके बाद हमने क्या किया, उस d की वैल्यू को डी की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, डी की वैल्यू पुट करी हमने तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब हमें क्या बोला था कि S10 निकालना है, तो S10 निकालने का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यू डाल दी और आंसर हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, S10 इक्वल्स टू 5 × 20 इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो S10 कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे अब देखेंगे हम, हमें अमाउंट कितना बता रखा था, 2600 जो टोटल अमाउंट होता है इंटरेस्ट के साथ वो बता रखा है 26,460, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5% हो जाएगा, वहां पे आपको 20% दे रखा होगा, ठीक है, तो उसका 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो एनुअल था, ठीक है, एनुअली था। और यहाँ पे कितना लिया जा रहा है, 6 महीने 6 मंथ पे लिया जा रहा है, वो भी 2 पीरियड के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3 3 मंथ के 2 पीरियड। तो पहले तो हाफ हो जाएगा उसका, तो हाफ हुआ तो 10 हो गया 10%, और उसका भी हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा, क्योंकि 3 मंथ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। कितनी बार ले रहे हैं हम, 2 बार ले रहे हैं, 6 महीने के लिए ले रहे हैं, 6 महीने पे ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं, ठीक है, 3 3 महीने पे। तो यहाँ पे एन की जगह 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अमाउंट यहाँ पे हमने डाल दिया, प्रिंसिपल हमें निकालना है, और रेट 5/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारा अमाउंट जो है कैलकुलेट करने के बाद 20, यहाँ पे 10 गलत कम लग गया है, ठीक है, 24,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब हमें ये प्रूव करना था कि पी क्यू जो है, ये लाइन जो है और ये वाली लाइन जो है, ये पैरेलल होगी अगर कोई सेंटर से ये लाइन जा रही है, डायमीटर जा रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा और प्रूफ स्टार्ट कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, एक तरीके से ये थ्योरम ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाती है, तो इसको याद कर लें अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। हमें एक सर्कल बनाने के लिए बोला हुआ था, ठीक है, इस टाइप के इस टाइप से डायग्राम बनाने के लिए बोला हुआ था, तो यहाँ पे इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए, तो आपको भी ऐसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने कि किस तरीके से आप बना रहे हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हो वैसे वैसे आपको लिखते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया, उसके बाद आपका ये डायग्राम आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें आपको मीन निकालना था। तो मीन निकालने के लिए यहाँ पे कैसे निकाल रहा है, पहले टेबल कैसे तैयार किया है वो समझा देता हूँ मैं आपको। तो ये दो चीज़ तो आपको दी रहती है पहले से ही, ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से दी रहती है, बाकी की जो चीज़ें होती हैं इस साइड वाली वो हम तैयार करते हैं, तो कैसे तैयार करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें निकालनी होती है मिड वैल्यू यानी वर्ग चिन्ह, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करके लोअर क्लास और अपर क्लास, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में बोले दोनों के बीच का जो होता है वैल्यू वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
पहले निकाल लो और उसके बाद देख लो कितने का अंतर चल रहा है, उतने अंतर प्लस प्लस करते हुए चले जाओ, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया हमारा। ठीक, उसके बाद एफ आई एक्स आई ये कैसे निकलता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा ये आ गया, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर करके ये वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करा हमने, सिग्मा एफ आई एक्स आई कर दिया और इनको प्लस कर दिया। ठीक है, जो भी हमारा मल्टीप्लीकेशन करके आया था उसको हमने प्लस कर दिया। इसके बाद मीन का फॉर्मूला आता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये हमने लगाया और आंसर हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारा मीन जो है आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला हुआ है कि ये जो नदी है हमारी ये निकालनी है और हाइट जो है ये निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो हाइट को हमने एच मान लिया और नदी की चौड़ाई को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, अब ट्राइंगल हमने लिया पहले बड़ा वाला, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बेस है, ठीक है, टेन थीटा लिया हमने, टेन थीटा में पी बाय बी, पी हमारा परपेंडिकुलर यानी हाइट और बी फॉर बेस यानी आधा, ये हमने ले लिया। तो ये हमारा कितना है 40, और इधर नदी की चौड़ाई हमने एक्स लिया तो ये 40 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने टेन थर्टी की वैल्यू डाली, टेन थर्टी की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। ठीक है, और यहाँ 40 प्लस एक्स, इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे जो है हमारा ये हमारी एच की वैल्यू आ जाती है जिसे हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। इसके बाद सिमिलरली ऐसे ही हम छोटे वाला ट्राइंगल भी लेते हैं। छोटे वाला ट्राइंगल लेने के बाद इसमें हम 1060 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारी एच की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √3x। ठीक है, अब दोनों को हम एक साथ रख देंगे क्योंकि ये भी एच की वैल्यू है और ये भी एच की वैल्यू और ये भी एच की वैल्यू है। अब दोनों को आमने सामने रख दिया तो हमारे पास क्या बन गया, 40 प्लस एक्स अपॉन में √3 इक्वल्स टू √3x। अब हमने ये √3 को इधर भेज दिया, इधर डिवाइड हो रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 से जब √3 मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 3x बन गया और यहाँ बचा 40 प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद ये x जो था इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 2x। 2x को हम जब 40 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर जो क्या है वो नदी की चौड़ाई है। अब हमसे हाइट क्या निकाल रखी थी, हमने हाइट निकाली थी √3x। ठीक है, ये थोड़ा इजी वाला फॉर्मूला बनता, हमारे पास ये वाला भी था। ठीक है, जो ऊपर वाला जो है ये वाला फॉर्मूला बोल सकते हैं, ये वाला जो था ये वाला भी था हमारे पास, लेकिन हम ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा हमारे लिए और उसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन सा हो जाएगा, तो इसलिए हम ये वाला लेंगे। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे एक्स की और ये हमारी हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी हाइट हो गई और ये हमारा नदी की चौड़ाई होगी। ठीक है, द हाइट ऑफ द ट्री इज 20√3 मीटर, द विड्थ ऑफ द रिवर इज 20 मीटर्स। ठीक है, अब जो है यहां से आपका आ जाता है एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो जो जो चीज हमें दे रखी थी, नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 44, नंबर ऑफ सर्कल वाले कार्ड कितने हैं तो वो 24 है, ब्लू सर्कल वाले कितने हैं 9 है, ग्रीन सर्कल वाले कितने बचे 15 बचे, स्क्वायर वाले कितने हैं 20 है, ब्लू स्क्वायर वाले कितने हैं 11 है, ग्रीन स्क्वायर वाले कितने बचे 9 बचे। ठीक है, तो ये सारे लिख लिया हमने। इसके बाद यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि टोटल देखो कार्ड कितने थे हमारे पास, 44 कार्ड थे, तो हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी हुई थी, स्क्वायर वाले की पूछी हुई थी, तो हमने स्क्वायर कितने थे 20 थे, तो 5/11 हो गया। इसके बाद सेकेंड पार्ट में ग्रीन कार्ड फ्रॉम द बैग, ग्रीन कार्ड बैग में से निकालेंगे उसका कितनी होगी, तो ग्रीन कार्ड बता रखा है, ये बोला ग्रीन कार्ड होना चाहिए, ये नहीं बोला कि स्क्वायर का है या सर्कल का है। ठीक है, तो हम दोनों को प्लस करेंगे, 15 प्लस 9, तो 24 जो हो गए हमारे ग्रीन कार्ड हो गए और 44 टोटल थे, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 से, तो हमारा आ गया 6/11। ठीक है, तो ये होगी ग्रीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट में हमसे पूछा हुआ था ब्लू सर्कल फ्रॉम द बैग। ठीक है, ब्लू सर्कल होना चाहिए बैग में से, तो कितने कार्ड थे वो 9 कार्ड थे और टोटल 44, तो ये कटेगा नहीं ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है में से एक है। ठीक है, तो हमने लेट्स यूनिट डिजिट हमने मान ली वाई और टेंस डिजिट मान ली एक्स, तो ओरिजिनल नंबर क्या बन गया हमारा 10x + y। अब ये 10x कैसे बन गया ये भी बता देता हूँ, अब 10th प्लेस पे है कोई चीज। ठीक है, ये 10th एरिया यानी कि दहाई दहाई बोलते हैं जिसे,
दहाई पे है तो एक्स नंबर है तो ये 10x ही तो होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा। मान लो यहाँ पे 5 होता तो सिर्फ 5 थोड़ी ना लिखते, इसको 50 लिखते हैं ना, पीछे कुछ नहीं है तो 0 आएगा ना, तो ऐसे ये 10x बन जाएगा, 10x प्लस वाई। ठीक है, कभी भी आप लोगे तो इसी तरीके से लोगे, जो 10th प्लेस पे डिजिट होगी उसके आगे 10 लगा रहेगा, और जो न्यू नंबर बनेगा इंटरचेंज करके वो क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स, इसको यूं भी लिख सकते हो 10y प्लस एक्स। ठीक, अब क्या बोले, सम ऑफ नंबर्स, तब दोनों का नंबर का योग जो है वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई होगा ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इनको मिला के कितना आ रहा है, 132 आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से हमारे पास आया 11x प्लस 11y इक्वल टू 132, तो 11 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 132। अब 11 से 132 कट जाएगा 12 बार में, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 आ गई। ठीक है, और क्या दे रखा है, 10x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल टू 5x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारी एक इक्वेशन निकल के आ जाती है, वो इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 8 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, तो हमारा ओरिजिनल नंबर कितना बन जाता है, 48, क्योंकि 10x प्लस वाई था, अगर एक्स हमारा वाई है तो 4 है, तो 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 बन गया, और एक्स वाई हमारा कितना था, 8 था, तो उसको हम प्लस कर देंगे तो 48 नंबर आ जाएगा। 6.1, बी 8.2, सी 9.4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, की एबीसीडी पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है। इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी, की सीडी का मिड पॉइंट है ई, तो हमें एडीई ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो 35 वाले आंसर का सॉल्यूशन जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है किस तरीके से कहाँ पे कैसे किया गया है सॉल्यूशन। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके या हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और ये पीडीएफ हमसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने इसका एरिया निकालेंगे आगे जाके, यहाँ पे हमारे मिड पॉइंट ऑफ डी लगा के हमने ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। ई के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अब हमारे पास ए के भी है, डी के भी, ए के हमें गिवन थे, डी के हमने निकाले, फिर ई के भी हमने निकाल लिया, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लगाया हमने। ठीक है, फॉर्मूला आपको ऊपर मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो हमारा नेगेटिव में आया, तो एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हमने क्या करा, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो 0.75 इसका आंसर हो जाता है। अगर आपका आंसर 3/4 आता है तो 3/4 भी छोड़ सकते हो, वो भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है, लास्ट वाला। यहाँ पे इसमें पूछा गया था हमसे कि टैंक जो है कितना भरेगा एक आधे घंटे में। ठीक है, 35 मिनट में, 30 मिनट्स में कितना भरेगा, तो यहाँ पे इसका पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन दिख रहा है। अबे ओए, जानवरों की तरह के चलता है, आराम से नहीं चल सकता, तो दिख रहा होगा। और ये लास्ट आंसर है इस क्वेश्चन पेपर का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। इसी के साथ सारे आंसर समाप्त होते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछे, क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है, तो मैं नहीं चाहता आपका किसी भी तरीके का नुकसान हो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करें, ताकि हम उसकी वीडियो बनाएं, लाइव क्लास ले लें, या फिर जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडु सेंटर दिल्ली।